क्या आपने पहले कभी किसी रिव्यू चैनल को YouTube के किसी शॉर्ट फिल्म को रिव्यू करते देखा है? नहीं ना? फिर क्यों ये लोग फुर्सत जो कि एक YouTube की शॉर्ट फिल्म है उसे रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि YouTube पे धंधा ही हो गया है, जिस पे व्यू आते हैं उस पे वीडियो बनाओ, जो भी लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर आया उस पर रिएक्शन दे दो, नहीं तो रिव्यू बना दो और व्यूज छापो, क्योंकि व्यूज इक्वल टू पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा हो गया। इसलिए हर कोई ट्रेंडिंग चीजों पे वीडियो बनाता है और ये लोग फुर्सत मूवी को ये बोल के हाइप दे रहे हैं कि फोन से शूट हुआ है, और ये कोई नहीं बता रहा कि उसके पीछे बजट कितना है, एक्टर एक्ट्रेस सेट लोकेशन। भाई जितना इसमें खर्चा हुआ है, जितना बजट लगा है, उतने में ये लोग एक कैमरा भी अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन नहीं, मोबाइल से शूट करना था। क्यों भैया? क्योंकि एड है, मार्केटिंग कहते हैं इसे, आईफोन का एड चल रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इनको क्या लगता है इससे पहले YouTube पे किसी ने भी मोबाइल से शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई होगी? भाई इनके पास तो फिर भी iPhone 14 Pro है, मैंने खुद सस्ते वाले Android फ़ोन से बनाई है, और मैंने ही नहीं, मुझसे पहले बहुतों ने YouTube पे शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो भी मोबाइल से, लेकिन उनको कोई रिव्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर ये लोग उनको रिव्यू क्यों करेंगे जिनको कोई जानता ही नहीं है? क्योंकि उन पर रिव्यू करेंगे मतलब लोग देखने ही नहीं आएंगे, व्यूज़ कम मिलेंगे। हालांकि कोई बड़ा चैनल YouTube पे किसी शॉर्ट फिल्म को रिव्यू करता है तो भी व्यू आ जाएंगे, लेकिन इनको लगता है अगर हम उन पर वीडियो बनाएंगे तो उनको फ्री की रीच मिल जाएगी, तो ये एक तरीके से प्रमोशन हो गया ना। हर प्रमोशन तो ये पैसे लेके करते हैं। Why, दादा, why? This is business. ये लोग सिर्फ उनको रिव्यू करते हैं जहाँ से इनको खुद के बेनिफिट मिल रहे हो, और छोटे क्रिएटर वीडियोस बनाते रहते हैं, उन्हें व्यूज नहीं मिलते, उन्हें रीच नहीं मिलती, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करती है, उन्हीं के वीडियो पे रीच बढ़ाने पे लगी है। एक कौन रह गया? और आधे से ज्यादा टाइम तो पेड रिव्यू करते हैं, पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। बीच में इन्होंने बॉलीवुड खत्म कर करके साउथ और कन्नड़ मूवीज को काफी हाइप दिला दी थी, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने इनसे पेड प्रमोशन नहीं करवाया, तो उन्होंने उनकी बुराई कर करके बॉलीवुड खत्म, कॉपी कर दिया, ये सब बोल बोल के उनके पास पब्लिक को जान ही नहीं दिया, ऑडियंस थिएटर तक गई नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगर जॉन अब्राहम किसी मूवी में बाइक उठा दे तो ये लोग बोलते हैं भाई क्या चूतिया बनती है, ऐसा थोड़ा होता है। अरे भाई RRR KGF जैसी मूवीज में, RRR में NTR बाइक उठा के घुमा के 500 मीटर दूर फेंक रहा है, तो उन्हें लग रहा है वाह कितना अच्छा है, उसकी तारीफें कर रहे हैं। और मूवी के पहले सीन में रामचरण एक साथ हजार लोगों को पेल देता है, तो उन्हें लगता है कितना रियल है, और जॉन चार मार दे तो चूतिया बनती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और KGF मूवी 3 घंटे की बनाई थी, जिसमें 2 घंटे रॉकी की एंट्री होती स्लो मोशन में, टिंग 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 टिंग। अब म्यूजिक गलत हो रहा है लेकिन समझ जाओ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और इतना ही नहीं, एक चैनल ने तो कंतारा मूवी का प्रमोशन तब शुरू कर दिया था जब वो हिंदी में रिलीज भी नहीं हुई थी, पहले उसने तारीफ करना शुरू कर दी, भाई क्या फिल्म बनाई है, जाके देखो इसे, मजा आ जाएगा आपको, ऐसी फिल्म बना दी कि बस। इसी को शास्त्रों में पेड प्रमोशन कहा गया है। एक तो इस बंदे ने पहले से शॉकिंग रिएक्शन वाली 2-3 फोटो क्लिक करके रखी हुई, हर वीडियो के थंबनेल में उन्हीं को चिपका देती है, या तो सर पे हाथ होगा या मुंह पे हाथ होगा, और रिएक्शन शॉकिंग, इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे कि इन्होंने जाके जवान की स्टोरी इसको पूरी सुना दी होगी, फिर ये डिसाइड करके लोगों को बता रही है, भैया लोग कैसे देख पाएंगे, ये तो कुछ बवाल होने वाला है। शाहरुख को डर लग रहा है, शाहरुख ने स्पेशली से कॉल करके बताया था, बहन मुझे तो डर लग रहा है, गदर आ रही है, भर भर के क्लिक बेट बना रहे हैं। और आजकल कोई लेटेस्ट ट्रेलर नहीं आ रहा है तो बंदी पठान को ही खींचे जा रही है, हर दूसरा वीडियो पठान के ऊपर, पठान पठान पठान। वाह दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अगर आपको लग रहा है इनको आपके पैसे की फिक्र है और ये रिव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके पैसे बचा सके, तो आप गलत है। ये रिव्यू दे रहे हैं क्योंकि रिव्यू से इनको पैसा मिलता है, या तो पेड प्रमोशन होता है या व्यूज आते हैं तो उसमें पैसा मिलता है, इनको आपकी घंटा फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। चूतिया बनाया तुमको। तो पब्लिक से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप बेवकूफ नहीं है, इनकी बातों में मत आए, इनका देखने का नजरिया अलग है और आपके देखने का नजरिया अलग है। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो जाके देखिए, इनसे पूछ के कुछ नहीं होने वाला, इनका तो धंधा ही है मूवी का रिव्यू करना, अगर पैसे मिले तो तारीफ कर दी, नहीं मिले तो बुराई कर दी। दिस इज बिजनेस।
तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।